चंदु पाटिल बीजेपी सीनियर लीडर और KREDL के चेयरमैन ने आज मिलत नगर अल खैर फंक्शन हॉल के अंदर कई सारे जरूरतमंद लोगों को रेशन किट डिस्ट्रीब्यूट किए। खास बात यह रही, चंदू पाटिल ने मीडिया से बात करते हुए कई अहम बातों पर अपना जोर दिया, जहां उन्होंने कहा कि 100 बेडेड हॉस्पिटल आ रहा है शेख रोजे में और उन्होंने इसे सैंक्शन कराया है। सुधाकर साहब का इनिशियल है, उसी के इनिशियल के ऊपर सुधाकर साहब उनके ऑफिस से उनके ए के सुधाकर मेडिकल मिनिस्ट्री के ऊपर एक लेटर लिखे, ये प्रपोजल चंद्रकांत पाटिल ब्रैकेट्स में चंदू पाटिल ने शेख रोजा में 100 हॉस्पिटल बेडेड का जो ये रिक्वेस्ट करे मैं सैंक्शन करता हूँ बोल के आगे फॉरवर्ड कर दिए। अब मैडम बोलते हैं उन करे तो ठीक है करने दो, ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है कौन काम कर रहे हैं, कौन ग्राउंड पे है, कौन किसके साथ है, कौन किसके मदद कर रहे हैं, तो पब्लिक को मालूम है उससे क्या होने वाला है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो यहाँ पर एक बेटे और भाई की हैसियत से आए हैं और वो आप ही के घर के हैं और यहाँ पर वो वोट मांगने के लिए नहीं आए हैं बल्कि सेवा करने के लिए आए हैं। आप लोग कांग्रेस को बाजू रखो, बीजेपी को बाजू रखो, मेरे को एक बीच में, मैं तो मेरा पार्टी बाजू रखे मेरे से बात करो, मैं आपके लिए समझो एक ख्याल में सोचो, शायद मैं आपके घर में पैदा हुआ था तो आप मेरे को प्यार करते। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KBN University, Newson Fabric Clothes Store, Surat Khazana, Chubu Lighting and Furniture, and by Smart Super Bazaar. हम सिर्फ काम कर रहे हैं एंड मैं वेरी क्लियरली बोल रहा हूँ, आज जो मिल्लत नगर में किट दिया हूँ, आई एम नॉट आस्किंग फॉर वोट, आई एम केम टू टेल देम मैं सेवा कर रहा हूँ, सिर्फ दुआ दे दो आगे का आगे देखेंगे। चंदू पाटिल ने आने वाले बकरीद के लिए लोगों को पुरखलूस मुबारकबाद भी दी। दो दिन के बाद आपका बकरीद है, उसके अलावा उन्होंने कहा वुमेन एजुकेशन चलते हुए कोई लड़की अगर पढ़ सकती है और उसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है तो वो अपने पर्सनल खर्चे से बच्ची को पढ़ाएंगे। कोई बच्ची अच्छी पढ़ाई करती है, बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकती है, आपके पास पैसा नहीं है उसको रुकाइए मत, मैं पढ़ाई का खर्च करूंगा, सीबीएसई पढ़ेगी, इंजीनियरिंग पढ़ेगी, मेडिकल पढ़ेगी, मैं हेल्प करूंगा, क्यों मैं आपसे कुछ जुड़ा हूं, मैं ये क्षेत्र से हूं, उन्होंने ये भी कहा कि आप कोई भी बेसिक एमिनिटीज की नीड हो तो वो आपको डायरेक्टली सॉल्व करके देंगे। उन्होंने कहा कि उनकी एंटायर टीम यहाँ पर सेवा करने के लिए तैयार है, आप उन्हें कांटेक्ट करें और आपका काम यूं ही हो जाएगा। आपके एरिया में तकलीफ पड़ेगा, आप लोगों को आपके जो दूसरे लीडर्स हैं उनसे निकल के ये जो स्टेज में मेरे लीडर्स हैं तो उनको पहुंचे, मेरे पास पहुंचो, मैं आके काम करूंगा, वो जो दूसरे लीडर है आपको मेरे पास नहीं आने देंगे, वो अलग 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 बोलेंगे मेरे बारे में, ये जो लोग हैं इनको पकड़ के लेकर आओ, मेरे पास काम करूंगा, आपको राशन कार्ड का प्रॉब्लम है मैं करा के दूंगा, आपको हॉस्पिटल का प्रॉब्लम है मैं करा के दूंगा, आपको घर का प्रॉब्लम है मैं करा के देता हूँ, मैं MLA नहीं हूँ पर मेरे पास काबिलियत है काम करने का, मेरे हमारा सरकार है, काम नहीं हुआ तो मेरे हाथ से नहीं होगा, बिल्कुल कुछ नहीं करूंगा, झगड़ा करूंगा तुम्हारे लिए, जेल जाऊंगा पर आपका हक ना करूंगा। मिलन नगर के फंक्शन हॉल के अंदर कई सारे लोग यहां पर मौजूद थे और उन्होंने ये रिलीफ किट्स को रिसीव किया। इस मौके पर बीजेपी नॉर्थ ब्लॉक के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और कई सारे सीनियर लीडर्स यहां पर मौजूद रहे। आइए देखते हैं इस रेशन किट्स डिस्ट्रीब्यूशन और फिलिंग स्टेशन के शॉर्ट हाइलाइट्स।
ये सेवा काम क्यों कर रहा है बिल्कुल हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी बोले कोविड टाइम में कौन सा कोई कार्य करना सेवा ही संगठन तो हमारे अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्य अध्यक्ष अनिल कुमार खत्ते और येडियुरप्पा साहब बोले हमारे को गुलमर्गा नॉर्थ का क्या करना चाहते हैं तो हम लोग हमारे नगर के अध्यक्ष शिवराज सिंह पाटिल उमेश पाटिल अशोक पाटिल सब लोग ये मीटिंग करके हम क्या सोचे एक किट बना के घर घर पहुंचे तो इससे बड़ा सेवाई संगठन नहीं हो सकता बोलते हम ये सेवाई संगठन के मुकाबले आपको एक किट पहुंचा रहे आपको और बात बोलता हूँ मेरे को आप कुछ भी मत दीजिए सिर्फ जाते जाते दुआ दे दीजिए कि ऐसे ही काम करे हो ऐसे हमारे लिए सेवा करने को बोलते मैं बात कर सकता हूँ जय हिंद जय भारत कि कोई भारतीय जनता पार्टी के आदमी हमारे टीम में आकर और मेनारी के अंदर आकर हम लोगों को सुख और दुख के साथ ठहरे हुए हैं मैं चंदू बनर्जी साहब का तहे से शुक्रिया अदा करता हूँ पिछले 5 महीने से गुलबर्गा नॉर्थ में 24 घंटे काम कर रहे हैं 23 घंटे 18 घंटे नहीं 24 घंटे रात में 2 बजे किसी एक आदमी को दवाखाने में एडमिट करना होता है मैं खुद फोन लगाकर रात में 2 बजे फोन उठाते हैं तो ऐसा काम करने वाला आदमी और ऐसे कैंडिडेट शायद ही 70 साल में हमको मिला मैं आज जो यहाँ पर और एक बात हमारे चंदू पाटिल साहब को कहना चाहता हूँ कि आप जितना ये काम कर रहे हैं और बिजली मंडल में इनका बहुत बड़ा कारनामा जो शेख रोजे में 100 बेड का दवाखाना चंदू पाटिल साहब लाए 40 साल में पिछले जो एमएलए थे उन्होंने लाए आज कुछ नहीं होते हुए जो 100 बेड का जो हॉस्पिटल लाए हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि बिना झिझक आप चंदू पाटिल साहब को याद कर सकते हैं ये काम करने वाला वाले हैं इनकी टीम 24 घंटे काम कर रही है आपके घर में कौन सा भी प्रॉब्लम होते पानी के अंदर अगर आपको पानी नहीं आ रहा मॉल में तो आप फोन करिए हमारी टीम को आपके पास राशन की आ रहा है और आइंदा भी जो भी आपको तकलीफ होंगी आप सीधे सीधा हमारे चंदू पाटिल साहब की टीम को फोन करिए इंशाल्लाह हम आपके पास पहुंचेंगे शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम बच्चों में स्कॉलरशिप आते हैं कितना प्रॉब्लम होते हैं आपको पहले मैनुअल फॉर्म भरने में तब सीधे सीधा फोन नहीं होते इस तरह से बहुत सारे स्कीम है जिनको आपके घर तक पहुंचाएंगे सीधा हम आप तक पहुंचेंगे चंदू पाटिल सब घर तक पहुंचेंगे तो आपके लिए वो फायदे की चीज होगी और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम पे आप उनके हाथ में पुश करेंगे उनको आने वाले भावी एमएलए बनाएंगे गुलबर्गा मिन्नत नगर में एक एरिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट स्कूल होना बनने मेरे 10 साल से ख्वाहिश है इसी वजह से मैं पार्टी में जुड़ा हुआ हूँ जुड़ के गया हम लोग साथ जीतने के बाद हमें गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनेंगे अपने एरिया में साथ को जिता के ले जाइए जिताने के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट स्कूल हम अपने एरिया में लेंगे ये बहुत अहमियत बात है हमारे लिए और ये आज से यहाँ से चंदू पाटिल साहब का रिश्ता तालुकात यहाँ से सिलसिला जारी रहेगा सीएमओ सीएम साहब बीएस येडियुरप्पा साहब ओपनिंग करे ये शेख रोजा हॉस्पिटल का मदर एंड चाइल्ड का उसी दिन मेरे को जब डिस्कशन पता चला वहाँ लेपरसी हॉस्पिटल में 2 एकड़ लैंड है वेकेंट लैंड है थोड़ा टूटा फूटा बिल्डिंग है वो तोड़ के वहाँ हम कर सकते तो और एक बार मेरा ही लेटर चंद्रकांत पाटिल चंदू पाटिल के आर ई डी एल चेयरमैन लेटर हेड में मैं लेटर बना के परसों जाके सीएम साहब एंड के सुधाकर साहब को बात करके मिल के आऊँ चाहिए तो फोटोज भी शेयर करता हूँ एंड वो लेटर भी शेयर करता हूँ वो लोग बोले 100% हम इसको सैंक्शन करेंगे 500 बेडेड हॉस्पिटल वहाँ सैंक्शन होगा गवर्नमेंट न्यू गवर्नमेंट हॉस्पिटल फॉर गुलबर्गा हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं ऑलरेडी रोज ऑल्टरनेट डे भेजता हूँ मैं पानी और अब्दुल साहब हमारे अध्यक्ष को बोला हूँ लिस्ट बनाओ देंगे देखो सर हम आके आपके घर में पूछ नहीं सकते आपको चाहिए आप हमारे लीडर्स को हमारे कार्यकर्ताओं को बोल के बोलो साहब को बोल के भेजो बोला हम भेज देते आपको सर, आपका पर्सनली विजिट जाएगा वहाँ पर 100% जाऊँगा मैं 100% जाऊँगा लास्ट ईयर भी उनको मैं किट्स दिया हूँ हर ईद को मैं दूध बेचता हूँ हर ईद को मैं ड्राई फ्रूट बेचता हूँ हर काम करता हूँ शो ऑफ नहीं करना हमारे को थोड़ा ऊपर आता है तो आंध लोगों को पता चलता है तो पता चलने दो हम सिर्फ काम कर रहे हैं एंड मैं वेरी क्लियरली बोल रहा हूँ आज जो मिल्लत नगर में किट दिया हूँ आई एम नॉट आस्किंग फॉर वोट आई एम केम टू टेल देम मैं सेवा कर रहा हूँ सिर्फ दुआ दे दो आगे का आगे देखेंगे सर कॉर्पोरेशन इलेक्शन कभी भी ऐलान हो सकते हैं तो क्या तैयारी है आपकी फुल तैयार है हम लोग
फुल तैयार है, मैदान खुला है, देखेंगे इस बार। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड डायग्नोस्टिक्स, केबीएन यूनिवर्सिटी, न्यूसन फैब्रिक्स क्लोथ स्टोर, सूरत खजाना, चुलबुल लाइटिंग एंड फर्नीचर, एंड बाय एस मार्ट सुपर बाजार।